पुलवामा हमले के बीच दुबई के क्राउन प्रिंस का भारत पाक दौरा, हिंदुस्तान ने इस तरह जीती बाजी। एक ऐसा आतंकवादी हमला जिसने भारत के साथ साथ दुनिया को हिला कर रख दिया। पुलवामा हमले में भारत के 40 जवान शहीद हो गए और ठीक इसी बीच सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान न सिर्फ पाकिस्तान की यात्रा पर आए बल्कि भारत भी पहुँचे। यही नहीं, अब वो अपने अगले दौरे पर चीन भी जाएंगे। तीन कट्टर विरोधी मुल्क, खासकर पाकिस्तान, जिसकी जमीन पर पुलवामा हमले की साजिश रची गई, वहां मोहम्मद बिन सलमान का पहले पहुंचना भारत को खूब अखरा। यही वजह है कि जब भारत ने पाकिस्तान से सीधे उनके भारत आने का विरोध किया तो वे वापस रियाद पहुंचे और फिर दिल्ली की फ्लाइट पकड़ी। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि उनके इस दौरे भारत और पाकिस्तान को क्या मिला, भारत को क्या मिला। सऊदी अरब भारत में पाकिस्तान से 5 गुना ज्यादा निवेश करेगा। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ऐलान किया कि वे भारत में 100 अरब डॉलर का निवेश करेंगे। इसके अलावा दोनों देशों के बीच 5 करार हुए। दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ एक दूसरे के सहयोग का भी वादा किया। इसके अलावा सऊदी की जेलों में बंद 850 कैदियों को रिहा करेगा। दोनों देशों के बीच ये 5 करार हुए। देश भारत और सऊदी अरब के बीच ऊर्जा को लेकर करार, देश पर्यटन क्षेत्र में एमओयू पर हस्ताक्षर हुए, देश द्विपक्षीय कारोबार को बढ़ावा देने के लिए करार, देश प्रसार भारती और सऊदी अरब के बीच प्रसारण साझा करने का करार, देश इंटरनेशनल सोलर अलायंस के क्षेत्र में करार। सऊदी भारत का चौथा सबसे बड़ा कारोबारी पार्टनर। सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है। 2017 से 18 के दौरान दोनों देशों के बीच 1.95 लाख करोड़ का सालाना कारोबार हो रहा था। सऊदी अरब भारत की कुल जरूरत का 17% कच्चा तेल और 32% LPG मुहैया करा रहा है। पाकिस्तान को क्या मिला? देश पाकिस्तान को सऊदी अरब सिर्फ 20 अरब डॉलर की मदद देगा। देश सलमान ने सऊदी की जेलों में बंद 2000 पाकिस्तानी नागरिकों के तत्काल रिहाई की घोषणा की। देश पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान प्रोटोकॉल तोड़कर MBS की गाड़ी खुद ही चलाकर अपने आवास तक ले गए थे। खस्ता हाल पाकिस्तान को मिला बड़ा सहारा। हालांकि सऊदी अरब से पाकिस्तान को बीच बीच में मदद मिलती रहती है, लेकिन पाकिस्तान गले तक कर्ज में डूबा है। पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा महज 8 अरब डॉलर बची है। पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो गया है कि वो तेल का आयात बिल भुगतान करने लायक भी नहीं बचा। एक संपर्क कमेंट है, पूर्व डिप्लोमेट JK त्रिपाठी का कहना है कि यह पूरी तरह से किसी भी देश की कूटनीतिक जीत नहीं, लेकिन काफी हद तक भारत इस यात्रा के दौरान ज्यादा समझौतों में सफल रहा। यात्रा पहले से तय थी, लेकिन दुर्भाग्य से पुलवामा हमला हो गया। पाकिस्तान को पैसा देना सऊदी अरब का अपना ताल्लुक है, लेकिन भारत में निवेश करना उनकी मजबूरी है। अगले 30 साल में तेल के भंडार में कमी आएगी और ज्यादातर कारें इलेक्ट्रिक होंगे। ऐसे में सऊदी अरब का निवेश करना उनके फायदे में है, क्योंकि इस समय निवेश के लिए भारत से बेहतर कोई देश हो ही नहीं सकता।